हेलो स्टूडेंट, तो आज हमें सीखना है कि हमें यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कैसे अपीयर होना है। ठीक है, तो पहले तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो है तुम्हारी मंडे को मतलब 8 मार्च 2021 से चालू हो रही है और वो दो सेक्शन में डिवाइड है। सबसे पहला सेक्शन है थियरी एमसीक्यू, मीन्स उसमें एमसीक्यू मार्क का क्वेश्चन होंगे, वो 30 मार्क के क्वेश्चन होंगे, टोटल 30 क्वेश्चन होंगे एक्चुअली, 1 मार्क का एक क्वेश्चन, और उसके लिए आपको 30 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, तो समझ लो आपका शुरू होता है, जबकि एग्ज़ाम 10 बजे का समय है, तो 10 से 10:30 तक आपको देना है। यहाँ पे टाइम दिया है, असाइनमेंट वन मीन्स आपका थियरी एमसीक्यू। सो 10 से 10:30 का टाइम, आधा घंटा आपको थियरी एमसीक्यू में अपियर होने के लिए मिलेगा, कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, 10:30 से 12 मतलब 1.5 घंटा, 90 मिनट्स आपको मिलेंगे थियरी सब्जेक्टिव पार्ट, मतलब वो आपका एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर रहेगा 30 मार्क का, उसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। राइट, तो हम वन बाय वन देखते हैं कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले थियरी एमसीक्यू, उसके बाद आता है थियरी सब्जेक्टिव। थियरी एमसीक्यू के लिए 30 मिनट मिलेंगे, 30 मार्क्स। थियरी सब्जेक्टिव मतलब एक क्वेश्चन पेपर रहेगा जिसका आंसर आपको लिखने हैं सब्जेक्टिव फॉर्म में, ओके, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैं बोलूंगा, और उसके 30 मार्क्स है और वो आपको 90 मिनट्स में सबमिट करना है। राइट, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो है कि आप कैसे ओपन कर सकते हो, वो कैसे उसको एक्सेस कर सकते हो। तो अगर 10 से 10:30 का जो पेपर है वो पहले आपको आ जाएगा। सबसे पहले ये देखो, थियरी जो मैथमेटिक्स का पेपर है, जैसे कि थियरी एमसीक्यू मैथमेटिक्स वन, वो मुझे आ चुका है, 11 बजे ही आ चुका है। मैंने 10 बजे का टाइम है, 10 बजे आ चुका है यहाँ पे, अभी मैंने 11 बजे का शेड्यूल किया है। तो यह है न्यू असाइनमेंट थियरी एमसीक्यू, तुम्हें ध्यान रखना है, सबसे पहले थियरी एमसीक्यू वाला ही देखना है। तो उस मेल के ऊपर आप क्लिक करिए, ओके, और इसको ओपन कर सकते हो आप। ठीक है, तो डायरेक्ट वो असाइनमेंट ओपन हो जाएगा। एक तरीका ये है कि ईमेल थ्रू आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट वो असाइनमेंट ओपन हो जाएगा। अगर आपको समझ लो गलती से ईमेल नहीं आया है, बाय मिस्टेक कि कुछ हुआ, आपको रिसीव नहीं हुआ है, आप देख नहीं पाए, तो दूसरा तरीका है कि ये यूआरएल पे जाओ, वेब एड्रेस पे classroom.google.com। ठीक है, ध्यान रहे कि आपका ईमेल आईडी लॉगिन होना चाहिए। ठीक है, कौन सा ईमेल आईडी? जिस ईमेल आईडी से आप वही गूगल क्लासरूम में ज्वाइन हुए थे, प्रॉक्टर ने जो आपको ज्वाइन करवाया था, वही ईमेल आईडी से आपको मतलब वहां पे लॉगिन होना चाहिए जीमेल का, और आप classroom.google.com खोलिए। ठीक है, मेरा ईमेल आईडी लॉगिन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरा ईमेल आईडी ऑलरेडी लॉगिन है, मैं यहाँ पे हूँ, स्टार्ट है मेरा। ठीक है, और मैं classroom.google.com खोल रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि मुझे एक लेना है थियरी एमसीक्यू, यहाँ पे पूरा दिख नहीं रहा है, बट थियरी एमसीक्यू जो है 11 से 11:30 का मैंने अभी टाइम रखा है, तुम्हारे लिए वो टाइम होगा 10 से 10:30 का, और दूसरा होगा 10:30 से 12 बजे का। ठीक है, तो ये मेरा टेस्ट क्लास मतलब मैंने डेमो क्लास बनाया है, तुम्हारे उसमें क्लासरूम का नाम है यूनिवर्सिटी एग्जाम। ठीक है, तुमने अगर देखा होगा अभी अभी, वो यही क्लासरूम पे तुमने क्लासरूम में तुमने इंटरनल एग्जाम 1 दी थी, इंटरनल एग्जाम 2 भी दी थी, और तुमने पीआर एमसीक्यू प्रैक्टिकल की जो एमसीक्यू एग्जाम थी वो भी इसमें ही दी थी। अब उसका नाम चेंज होके यूनिवर्सिटी एग्जाम कर दिया गया है, क्लासरूम का नाम, क्लासरूम वही है, सिर्फ नाम अलग है। ठीक है, तो उसको मैं ओपन करूंगा, तो मुझे उसमें असाइनमेंट्स दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्लासरूम के अंदर भी ओपन करने के 2 तरीके हैं। तुम यहाँ पे जो थियरी एमसीक्यू है मैथमेटिक्स का, जो अभी अभी मतलब 10 बजे का तुम्हारा टाइम है, यहाँ पे मेरा रात के 11 बजे है, तो यहाँ पे से ओपन कर सकते हो। दूसरा तरीका है क्लास वर्क में जाके भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, या तो पोस्टेड असाइनमेंट से या तो क्लास वर्क से जाके, मैं यहाँ से जाता हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि ये असाइनमेंट है, तो मैंने दोनों जगह से ओपन कर लिया। एक तो मैंने ईमेल से भी ओपन किया है। ठीक है, अगर ईमेल वाला, तो ये रहा ईमेल वाला तरीका। ईमेल वाला तरीका अगर काम नहीं कर रहा है तो क्लासरूम में चले जाओ, क्लासरूम में पोस्टेड जो असाइनमेंट है वो पोस्ट जो है आपको कहाँ पे जाना है, फिर से मैं बता दें, स्क्रीन जो है उसमें जाना है, यहाँ पे थियरी एमसीक्यू। ठीक है, वहां पे जाओगे, उसके अंदर क्लिक करो, ओके। अब ये जो है आधे घंटे का टाइम है, आप सबसे पहले आपकी जो डिटेल्स है, ईमेल एड्रेस, नाम, परमानेंट एनरोलमेंट नंबर ध्यान में रखना, आपको परमानेंट एनरोलमेंट नंबर डालना है और आपकी ब्रांच है। ठीक है, उसके हिसाब से डिटेल डालनी है, जैसे कि मेरा ईमेल आईडी है abc@gmail.com।
.com, यहाँ पे कोई भी तरीके की कोई स्पेस नहीं देनी है। आप क्या करते हो, ऐसा स्पेस दे देते हो, देखो तो वो ऐसा नहीं देना है, ठीक है। फिर तुम्हारा नाम डालना है, जैसे कि पटेल हरेश, ठीक है, शिरीष भाई फॉर एग्जाम्पल, राइट, ओके, परमानेंट एनरोलमेंट नंबर। अब जैसे कि तुम्हारा परमानेंट एनरोलमेंट नंबर है 2001, ठीक है, 2001 फॉर एग्जाम्पल 199 ऐसा है, ठीक है। कोई स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसके बाद ऐसे स्पेस दे देते हैं, तो वो स्पेस दोगे तो तुम्हारा स्पेस देने की वजह से ही इंटरनल एग्जाम 1, इंटरनल एग्जाम 2 और प्रैक्टिकल एमसीक्यू में भी कभी कभी सबमिशन नहीं दिखाता है, ठीक है। सबमिटेड मतलब तुम्हारे आंसर शीट सबमिट हुई है ऐसा दिखाता नहीं, तो ये स्पेस मत करो, ये 9 लिखा है बस छोड़ दो। यही गलती सब लोग करते हैं, स्टूडेंट एक्सेप्ट भी नहीं करते कि ये गलती की है हमारे प्रॉक्टर के बोलने के बाद भी, ठीक है। तो इसके बाद देखो स्पेस नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी, कोई स्पेस मत छोड़ो, देखो यहाँ पे भी नहीं, और अपनी ब्रांच सिलेक्ट करो फॉर एग्जांपल सी और नेक्स्ट कीजिए, ओके। अब आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर दे दीजिए, फॉर एग्जांपल ये पेपर है मेरा मैथमेटिक्स का है, तो उसका कोड और नाम लिखा रहेगा अगर आप देखते हो, ठीक है। तो मैं बैक जाके वापस दिखा देता हूँ आपको कि देखो आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है सब्जेक्ट का कोड और उसका नाम लिखा रहेगा, ठीक है, और ऐसा लिखा रहेगा थियरी एमसीक्यू। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आप थियरी एमसीक्यू ही अपीयर कर रहे हो, ना कि थियरी सब्जेक्टिव, गलती मत करना, ठीक है। आपको इतना बताने के बाद भी आप लोग बहुत गलती करते हो, तो एक बार थोड़ा ध्यान से भरो। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका पेपर 10 से 10:30 का है तो 10 बजे से पहले ही 9:56 या 9:57 का आपके पास वो पेपर आपको ईमेल आ जाता है 9:57 को, ठीक है, 10 बजे से 3-4 मिनट 3 मिनट पहले ही, तो आपके पास सफिशियंट टाइम है कि आप डिटेल भरे या तो फिर आप चेक करें कि थियरी एमसीक्यू ही अपीयर कर रहे हैं कि नहीं। ये सफिशियंट टाइम आपके पास है, आप उसका यूटिलाइजेशन करो, ठीक है, आप उसका यूटिलाइजेशन करो, राइट। नाउ अभी जो है इसके लिए आपके पास 30 मिनट है प्लस आपको 3 मिनट एक्स्ट्रा भी मिल रही है, तो आप उसका अच्छे से ये करो, जैसे कि मैंने लिखा था स्पेस कहीं पे भी नहीं देनी है, ध्यान में रखना। फिर से मैं ये एनरोलमेंट नंबर डाल रहा हूँ, ओके, स्पेस कहीं पे भी नहीं देनी है, राइट। एनरोलमेंट नंबर के नंबर ऑफ डिजिट चेक कर लो, 11 डिजिट होने चाहिए, आपने सही डाला है कि नहीं एक बार चेक कर लो, इतना टाइम तो आप दे ही सकते हो, डोंट रश, जल्दबाजी मत करो, ठीक है। कंप्यूटर सिलेक्ट किया मैंने, आप आई टी या सी या के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें भी आराम से करो, ठीक है। अगर कभी कभी नीचे भी क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर नेक्स्ट पेज पे भी हो सकते हैं, तुम्हारे पास 30 मिनट है ये अपीयर करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कर रहा हूँ अपीयर, मतलब मेरे आंसर के हिसाब से, ठीक है, तो आपने सब आंसर दे दिए फॉर एग्जांपल, राइट। तो आप देखो वैसे टाइम हो चुका है मेरा आधे, मतलब यहाँ पे देखो कोने में आधा घंटा हो चुका है, तो ये जैसे ही फटाफट हो जाए आप उसको ध्यान में रहे उसको सबमिट करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप सबमिट बटन क्लिक करोगे तो ये बता देगा कि आपका रिस्पॉन्स सबमिट हो चुका है एंड असाइनमेंट मार्कर्स बंद हो चुका है, ठीक है। अगर आपको ओपन असाइनमेंट करना है यहाँ से तो आप कर सकते हो, और वहाँ पे भी जाके मार्कर्स बंद अगर नहीं दिखा रहा है तो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाएगा, देखो नो वर्क अटैच का मीनिंग ये है कि आपने कोई PDF फाइल या कोई फाइल यहाँ पे अटैच नहीं की है और यहाँ पे करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। गलती से भी ये अनसबमिट बटन पे क्लिक मत करना, राइट, क्यों, क्योंकि अनसबमिट मतलब आपने किया हुआ सबमिट किया हुआ काम अनसबमिट हो जाएगा, तो ये चीज नहीं करनी है आपको। सिर्फ क्या करना है कि ये जो है ये इतना पेज आ गया आपका काम हो गया, ये ओपन असाइनमेंट नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने थियरी एमसीक्यू यूनिवर्सिटी एग्जाम का जो फर्स्ट सेक्शन है, ओके, आधे घंटे का थियरी एमसीक्यू वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, ओके। यहाँ पे भी आपने चेक कर लिया है कि योर वर्क नो वर्क अटैच, मतलब कोई फाइल अटैच नहीं है, ठीक है, मैंने एमसीक्यू एग्जाम दिया है तो कोई फाइल मुझे अटैच करनी भी नहीं थी और बाकी कुछ करना नहीं है, बस सिर्फ ये देख लो, ओके। ये पेज ओपन नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये पेज ओपन नहीं करोगे, इतना ये हो गया, योर रिस्पॉन्स हैज बीन सबमिटेड, ये काम आ गया, मतलब आपका काम हो चुका है, आपने पेपर दे दिया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, ओके स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं कि थियरी सब्जेक्टिव एग्जाम को कैसे कंप्लीट करना है, उसमें कैसे अपीयर होना है, ठीक है। पहले हमने आधे घंटे का दे दिया थियरी एमसीक्यू,
ठीक है 30 मार्क्स का। अब हमें थियरी सब्जेक्टिव के लिए 90 मिनट्स मिलने वाला है, मतलब वो 30 मार्क का है बट वो डिस्क्रिप्टिव है आंसर, इसलिए हमें 90 मिनट्स मिल गए। थियरी एमसीक्यू तुम्हारा 10 से 10:30 है, तो 10:30 से 12 मतलब 90 मिनट्स तुम्हें मिलेंगे थियरी सब्जेक्टिव के लिए। तो चलो देखते हैं वो कैसे कर उसमें कैसे अपियर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे ईमेल को। दो तरीके हैं थियरी सब्जेक्टिव में भी अपियर होने के, एक तो ईमेल थ्रू या तो फिर डायरेक्ट क्लासरूम के थ्रू, राइट। तो सबसे पहले मैं ईमेल चेक करूंगा वो टाइम पे आ गया होगा कि 2BS101 मेथड थियरी सब्जेक्टिव। अब ये सब्जेक्टिव में अपियर कर रहा हूँ तो देखना है कि ये पोर्शन थियरी सब्जेक्टिव का ही है, तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो ओपन होगा ईमेल, और मुझे यहाँ पे ये असाइनमेंट जो है मतलब ये मेरा थियरी सब्जेक्टिव पोर्शन जो है उसके ओपन करना है। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है जैसे मैंने बताया था अभी थियरी एमसीक्यू में भी कि एक तो तुमने थियरी जो एमसीक्यू सबमिट कर दिया है, ठीक है, अब ये तुम्हारा सिर्फ बाकी है थियरी सब्जेक्टिव, तो ये THS दिख रहा है वो थियरी सब्जेक्टिव है, ध्यान देना, ध्यान से देना थियरी एमसीक्यू और थियरी सब्जेक्टिव। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी वहाँ पे डायरेक्ट क्लासरूम में पहुँच जाओगे, ठीक है, मतलब असाइनमेंट देखने को मिलेगा कि ये सबमिट क्या करना है, और यहाँ से ये ओपन जो मैंने किया है वो ईमेल में से ओपन किया, तो किसी एक को हम बंद कर देते हैं, अल्टीमेटली तुम्हें यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, ओके, नाउ हमें ये जो है अभी मैं ये जो ओपन करूँगा ये गूगल फॉर्म है जिसके अंदर मेरे क्वेश्चंस हैं और मुझे अपनी डिटेल भी करनी है। ठीक है, तो ये असाइनमेंट ओपन होने के बाद ये मैं गूगल फॉर्म ओपन करूँगा। तो गूगल फॉर्म में तुम्हें सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट का नाम वो सब दिखेगा, ये एक डेमो है इसलिए यहाँ पे कॉपी नाम का वर्ड आ रहा है, डेमो फॉर्म है इसलिए। ठीक है, तुम्हें अच्छे से अपना ईमेल एड्रेस डालना है, गलती मत करना ध्यान से, और जैसे मैंने अभी बताया 2 मिनट पहले वैसे तुम्हें यहाँ पे कोई स्पेस नहीं देनी है, देखो मैं कोई भी स्पेस नहीं दे रहा। ठीक है, फिर परमानेंट रेजिडेंट नंबर जैसे कि 2001, 2011, 199, कोई स्पेस नहीं, 11 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर चेक कर लेना आराम से। जैसे मैंने बताया कि 10 से 10:30 का पेपर जो है वो तुम्हें 2-3 मिनट पहले मतलब 9:56, 9:57 को ही आ जाता है, वैसे ये 10:30 से 12 बजे मतलब 1.5 घंटे वाला पेपर भी तुम्हें 3-4 मिनट पहले ही आ जाता है। ठीक है, तो तुम्हें हाँ ये ठीक है कि तुम अभी तक एमसीक्यू अपीयर कर रहे हो बट फिर भी तुम्हें सफिशियंट टाइम मिलता है, 30 मार्क्स के लिए 1.5 घंटे सफिशियंट टाइम है, तो 2-3 मिनट इसमें भी थोड़ा यूज करो कि अच्छे से ईमेल आईडी लिखा हुआ है, 11 डिजिट का एंड्रॉइड नंबर सही लिखा हुआ है, कोई डिजिट में गलती है कि नहीं। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, 201 लिख देते हैं, ठीक है, फिर बोलते हैं सर मेरा सबमिटेड नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ध्यान से देखो एंड्रॉइड नंबर एक बार सही है कि नहीं। कुछ तो स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ पे 1 1 की जगह 1 कर देंगे, तो देखो 11 डिजिट का है और प्रॉपरली डाला है कि नहीं एंड्रॉइड, ऐसा है तो पेपर चालू करने से पहले ही तुम्हारा एनरोलमेंट नंबर कहीं पे लिख के रखो ताकि तुम गलती ना करो। ठीक है, या तो फिर एनरोलमेंट नंबर अच्छे से याद रखो, स्टूडेंट को इतनी बार बोलने के बाद भी वो गलती करते ही रहते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम है, फाइनल एग्जाम में इसमें गलती नहीं चलेगी। देखो अब ये 9 के बाद मैंने कोई स्पेस नहीं छोड़ी, ठीक है, स्टूडेंट जैसे स्पेस छोड़ के गलती कर देते हैं, फिर बोलते सर सबमिट नहीं हुआ, तो यहाँ पे तुम्हारी गलती है, तो ये स्पेस नहीं करनी है। देखो ठीक है, फुल नेम डालना है जैसे अभी हमने डाला था पटेल हरीश श्री भाई, ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई स्पेस नहीं, कहीं पे कोई स्पेस मत जाए इसका, खास करके लास्ट में कोई स्पेस नहीं देनी है, ठीक है, ना तो यहाँ पे ना तो यहाँ पे ना तो यहाँ पे। अब जाते हैं, ये हमारा ब्रांच हमने सिलेक्ट कर लिया सी या IT या CAI अकॉर्डिंग टू योर ब्रांच। ठीक है, अब यहाँ पे पेपर देखने को मिलेगा तुम्हें, ठीक है, तो या तो डायरेक्टली ये पेपर देख सकते हो या तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हो तुम यहाँ पे सेव इमेजेस करके, ओके, या तो पेपर यहाँ से अच्छे से तुम देख सकते हो। तो जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पे, ओके, ये तो एक टेम्पररी डेमो पेपर है इसलिए ये पेपर के अंदर की डिटेल मत पढ़ना, इसमें अलग तरीके का है, पर इतना ध्यान रखना कि 30 मार्क का है और 1.5 घंटे का पेपर है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है इसके लिए, तुम्हारी एक नोटबुक लेनी है लाइनिंग वाले पेज की, लाइनिंग वाली नोटबुक, और उसमें पेन से लिखना है हर एक पेज पे, ओके, अब हर एक पेज पे क्वेश्चन के आंसर तो लिखने ही है, राइट, थोड़ी जो तुम प्रैक्टिस रखते थे 12th साइंस में या डिप्लोमा में, तो
ठीक है, फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम या फिर बोर्ड एग्जाम लिखते टाइम कि नया क्वेश्चन नए पेज पे स्टार्ट करना, नया क्वेश्चन मतलब जैसे कि क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 4 है, तो क्वेश्चन 4 के बाद क्वेश्चन 5 नए पेज पे स्टार्ट होगा, ये भी थोड़ी जो प्रैक्टिस रेगुलर है वो रखो सब, दीज आर गुड प्रैक्टिस। ओके, तो पेपर चेकर को भी आसानी रहती है पेपर चेक करने के लिए, राइट। सीक्वेंस फॉलो करो कि जैसे क्वेश्चन 1 है तो पूरा तुम क्वेश्चन 1 ही लिखो, ठीक है। क्वेश्चन 1 है तो पहले क्वेश्चन 1 कंप्लीट करो, उसके बाद क्वेश्चन 2 स्टार्ट करो, ठीक है। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन 1 के अंदर ए बी होते हैं तो पहले लिखेंगे क्वेश्चन 1 ए, फिर क्वेश्चन 2 बी, फिर क्वेश्चन 1 बी, क्वेश्चन 2 बी, ऐसा सब मिक्सअप मत कर दो। क्वेश्चन 1 ए, क्वेश्चन 1 बी कंप्लीट, ओके। क्वेश्चन 2 ए, क्वेश्चन 2 बी, ओके, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन 1 पूरा, उसके बाद पूरे क्वेश्चन को कोई भी सीक्वेंस में लिख सकते हो कि जैसे क्वेश्चन 1, उसके बाद क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 4 लिख सकते हो, बट बेटर वे ये है कि तुम कोई एक असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करो या डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करो। जैसे कि क्वेश्चन 1 लिख दिया, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, असेंडिंग ऑर्डर सीक्वेंस, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्वेश्चन 5 उसके बाद 4, ऐसा कुछ करो। ऐसे सीक्वेंस फॉलो करोगे तो पेपर चेकिंग में भी आसानी रहती है। तो थोड़ा यूनिफॉर्मनेस रखो पेपर में और नीट एंड क्लीन रखो लिखने में, ठीक है। और अच्छी प्रैक्टिसेस रखो, ऐसा कुछ भी मैसी थिंग्स मत लिखो, क्वेश्चन 1 ए, क्वेश्चन 2 बी, ऐसे मत लिखो कुछ भी। बी प्रॉपर इन राइटिंग, तुम क्या करते हो, क्वेश्चन 1 ए याद आया तो वो लिख दिया, फिर क्वेश्चन 5 सी याद आया तो वो लिख दिया, ऐसा क्यों करना। सीक्वेंस में लिखो, अगर तुम्हें आंसर नहीं याद आ रहा है तो उसकी जगह छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 ए लिख दिया तुमने, क्वेश्चन 1 बी याद नहीं आ रहा है तो उसकी थोड़ी जगह छोड़ दो, उसके बाद क्वेश्चन 2 ए स्टार्ट करो, है ना। जो तुम्हारी 12th साइंस की या तो फिर डिप्लोमा की जो प्रैक्टिस है वो तुम सॉरी 12th साइंस की जो तुम्हारी प्रैक्टिस है वो तुम कंटिन्यू रखो, है ना। तो फाइनल मतलब बोर्ड एग्जाम में तुमने जैसे लिखा था, ओके, अच्छे से लिखो। अब जैसे एक मैं सैंपल बताता हूँ कि ये किसी ने ऐसा लिखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 एक यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन 2 नए पेज से स्टार्ट करो, ठीक है। हाँ, जैसे कि ये देखो क्वेश्चन 5 उसमें लिखा है, तो नए पेज से स्टार्ट करो, ए बी जो भी है सीक्वेंस में लिखो। क्वेश्चन 1 ए बी ए सी, क्वेश्चन 1 सॉरी क्वेश्चन 1 फिर सी ए बी, ऐसा मत करो, क्वेश्चन 1 ए बी सी, दैट इज द बेस्ट वे टू राइट द आंसर्स, ओके। दूसरी जो इंस्ट्रक्शन है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप्स, ये तुमने पढ़ा ही होगा, ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी भेजी हुई है, उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि तुम्हें हर एक पेज के ऊपर अपना एनरोलमेंट नंबर, साइन और पेज नंबर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा एनरोलमेंट नंबर आएगा, तुम्हारा साइन आएगी कि तुम्हारा ही है, ओरिजिनल वर्क है, और तुम्हारा पेज नंबर यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। एनरोलमेंट नंबर, साइन तुम्हारी और पेज नंबर, ये तीनों कंपल्सरी है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट का कोड भी लिखना हो तो लिख सकते हो हर एक पेज पे, ओके। उसके बाद तुम्हें पता ही है, हर एक पेज जो तुम्हें लिखा हुआ है उसका फोटो खींचना है, और वो फोटो खींचने के बाद उसको डॉक स्कैनर, ठीक है, DOC डॉक स्कैनर एप्लीकेशन यूज करके या और कोई भी एप्लीकेशन यूज करके उसकी एक ही पीडीएफ बनानी है। जैसे कि यहाँ पे एक ही पीडीएफ बनाई हुई है, राइट, एक पूरी पीडीएफ बनाई हुई है, राइट। वो पीडीएफ जो है उसका नाम क्या रहेगा, वो पीडीएफ का नाम जो है, बता देता हूँ, हाँ, पीडीएफ का नाम रहेगा एनरोलमेंट नंबर अंडरस्कोर सब्जेक्ट कोड, एनरोलमेंट नंबर अंडरस्कोर सब्जेक्ट कोड, पीडीएफ का नाम यही होना चाहिए, ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे भी ये दिखाया गया है कि पीडीएफ का नाम क्या होना चाहिए, इट शुड बी एनरोलमेंट नंबर अंडरस्कोर सब्जेक्ट कोड, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। ये तुम्हारी पीडीएफ बन गई, ओके, तो अब सब रेडी है, ठीक है। अब तुम्हें आगे क्या करना है, यहाँ पे ऐड फाइल करनी है, ठीक है। ऐड फाइल करोगे तुम तो कौन सी फाइल में सबमिट करूंगा, ये जो डॉक्यूमेंट है मेरा यहाँ पे, ये रहा, एक टेंटेटिव है डॉक्यूमेंट, ये रहा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, तो यहाँ पे ये अपलोड हो गया, ठीक है। और मैं उसको करूंगा रेडी है, तो ओके अपलोड, तो वो अपलोड हो रही है, राइट। ट्राई करो कि ये जो तुम्हारी फाइल साइज है 10 MB के अंदर हो, मतलब 10 MB से कम हो, क्योंकि 10 MB से बड़ी होगी या जितनी भी फाइल साइज बड़ी होगी तो अपलोड होने में उतना ही टाइम लगेगा। अगर तुम्हारी फाइल बड़ी है, इंटरनेट स्पीड स्लो है, तो सबमिशन में इश्यू आएगा,
इसलिए हमेशा ध्यान में रखो कि फाइल साइज जो है एवरेज बने। अब फाइल साइज एवरेज कैसे बनाना, तुम जो फोटो खींच के जो पीडीएफ बनाते हो ना, तो फोटो की रिजोल्यूशन थोड़ी एवरेज रखो, जो कैमरा जो है मोबाइल का उसमें रिजोल्यूशन थोड़ी एवरेज रखो, पर हाँ रीडेबल होना चाहिए। ठीक है, ये देखो ये जो इसका है ये रीडेबल है, तो ऐसी रीडेबल फाइल बननी चाहिए, है ना। ऐसा भी नहीं कि फोटो एकदम ऐसा छोटा हो ये हो कि समझ में ना आए, या फिर फोटो ऐसा हो कि इमेज ब्लर हो गई हो, हिल गई हो पूरा पेज, मतलब ब्लरी हो तो रीडिंग अच्छे से फैकल्टी रीड ना कर पाए, तो ऐसा मत करो। ठीक है, तो ये अपलोड हो रही है मेरी और अपलोड हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे देख लो एक बार, जल्दबाजी मत करो। यहाँ पे ये देख लो, ये नीचे दिखा रहा है सब्जेक्ट एंडोमेंट नंबर अंडरस्कोर सब्जेक्ट को। ठीक है, प्रॉपरली सब हो गया, मैंने ऊपर भी सब डिटेल डाल दी अच्छे से, ओके वेरी गुड, मैंने चेक भी कर दी है, कोई स्पेस नहीं छोड़ी है, देन यू क्लिक ऑन सबमिट। ये फाइनल स्टेप है, ये सबमिट करना नहीं भूलना है। ओके, तो ये दिखा रहा है कि योर आंसर शीट इज सबमिटेड, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ आएगा। ठीक है, रिस्पॉन्स इज सबमिटेड एंड असाइनमेंट मार्क इज डन। ओके, ये ओपन असाइनमेंट नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अगर किसी को करना है तो देख लेते हैं हम एक बार, ये नहीं करोगे तो भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पे आएगा नो वर्क अटैच, डोंट वरी, हमने यहाँ पे अटैच नहीं किया है वर्क, हमने गूगल फॉर्म में वर्क अटैच किया है। ठीक है, हमने गूगल क्लासरूम में कोई फाइल अटैच नहीं की, हमने गूगल क्लासरूम में कोई फाइल अटैच नहीं की, हमने कहाँ पे की है, गूगल फॉर्म में की है। ये गूगल फॉर्म बोलते हैं इसको, जहाँ पे हमने हमारा एनरोलमेंट नंबर नेम सब डाला हुआ, और ये गूगल क्लासरूम है। ठीक है, और यहाँ पे अनसबमिट पे क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं, इट इज नॉट अवर टास्क। ठीक है, तो ये नो वर्क अटैच आया, छोड़ दो उसे, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो तुम्हारा अगर इतना काम हो गया है, उसका मीनिंग है कि तुमने थियरी सब्जेक्टिव आंसर शीट जो है, मतलब सेकंड सेक्शन जो है पेपर का, वो सक्सेसफुली दे चुके हो। ठीक है, अब आप रिलैक्स रहो, आपका काम हो चुका है, आपने मैथमेटिक्स का थियरी एमसीक्यू और थियरी सब्जेक्टिव कंप्लीट कर चुके हो। ओके।